इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। लोग कहते हैं ज्ञान फ्री नहीं होता, लेकिन मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार का ज्ञान देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी का, शेयर बाजार का, नेशनल पेंशन स्कीम का, और विंडोज के भी मैं आने वाले टाइम में एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी शेयर बाजार की हमारी सीरीज चल रही है, नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या होते हैं, इसको कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैं एनालिसिस बहुत बड़ा लेके आता हूं। तो देखते हैं डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कंपनीज फंड कैसे रेज करती है। हमने अपने कई वीडियो में इसकी चर्चा की थी, आज इसमें मैं दो पॉइंट और जोड़ के लाया हूं। कंपनी फंड चार तरीकों से कर सकती है, डेट से, आईपीओ से, राइट्स इश्यू से और एफपीओ से, जिसमें से मैं इन तीनों को समझा चुका हूं ऑलरेडी। आईपीओ क्या होता है, राइट्स इश्यू क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, इन सबकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और ये तीनों के तीनों ही शेयर मार्केट से फंड रेज करने के तरीके हैं। केवल ये एक तरीका जो है वो शेयर मार्केट से फंड रेज करने का नहीं है, बाकी ये तीनों तरीके शेयर्स इशू करके कंपनी जब फंड रेज करे तो उसे हम इन तीनों कैटेगरी में बांटते हैं। तो जब डेट कंपनी लेती है या लोन लेती है तो उसको हमने दो भागों में बांटा है, बॉन्ड्स और डिबेंचर। बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और कंप्लीट इसका एनालिसिस मैं पहले वाले वीडियो में ला चुका हूं। और आज हम देखने वाले हैं कि डिबेंचर से कंपनी कैसे फंड रेज करती है। तो क्लियर हो गया, ये सारे कंपनी के फंड रेज करने के तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डिबेंचर देख लेते हैं इसको। डिबेंचर रेफर्स टू हाई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट इनेबल एन एंटिटी टू रेज फंड्स एंड फुलफिल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सरल सी भाषा में, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, फंड रेज करना है कंपनी को, तो वो क्या करेगी, वो ये लेके आती है डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स जो खरीदता है वो क्या करता है, डिबेंचर अपने पास रखता है, एक परपत्र होता है, हम इसको लेटर टाइप का कह सकते हैं, वो उसके पास होता है और बदले में वो कंपनी को पैसा दे देता है उधार के रूप में। इट इज ए कैटेगरी ऑफ डेट दैट बोरोर्स अवेल फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉर ए स्पेसिफाइड टेन्योर, जिसमें क्या होता है, जो उधार लेने वाला है, जैसे कंपनी उधार लेना चाहती है तो कंपनी उधार लेने के बदले में क्या करती है, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो डिबेंचर्स जारी करती है, और डिबेंचर्स खरीदकर इन्वेस्टर का पैसा वो उधार ले लेती है। और उधार लेगी तो जाहिर बात है उसे कुछ कीमत भी उसकी चुकानी पड़ेगी, और कोई एक लमसम जो टाइम होगा उस दौरान उसे पे भी करना होगा। अब आगे देखते हैं, हु इश्यू डिबेंचर, कौन जारी करता है डिबेंचर्स, कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट इशू डिबेंचर फॉर इन्वेस्टर्स इन प्राइमरी मार्केट। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है या गवर्नमेंट जो होती है वो जारी करती है डिबेंचर्स। जनरली छोटी कंपनियां डिबेंचर्स नहीं लाती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती है या भारत सरकार की कई बड़ी बड़ी कंपनियां वो लेके आती हैं डिबेंचर्स। फिर है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है, फेस वैल्यू इज द मनी अमाउंट द डिबेंचर विल बी वर्थ एट मैच्योरिटी। सरल सी भाषा में, किसी भी डिबेंचर की फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर परचेज ए डिबेंचर एट ए प्रीमियम 1050 एंड अनादर इन्वेस्टर बायस द सेम डिबेंचर लेटर वेन इट इज ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट फॉर 950। वेन द डिबेंचर मेच्योर्स बोथ इन्वेस्टर्स विल रिसीव द 1000 फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। कहने का मतलब इस पूरे एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है, उसने डिबेंचर कंपनी का, किसी कंपनी का डिबेंचर लिया 1050 में, और थोड़े दिनों बाद उसी कंपनी का किसी और व्यक्ति ने डिबेंचर लिया 950 रुपए में डिस्काउंट रेट पर। इसने फुल प्राइस में लिया था 1050 में, इसने डिस्काउंट चल रहा था किसी कारणवश डिबेंचर पे, तो उसने 950 में ही डिबेंचर खरीद लिया। अब अल्टीमेटली फेस वैल्यू क्या होगी कि भले ही इसका 1050 का हो डिबेंचर, इसने 950 में खरीदा हो, लेकिन अगर उस फेस वैल्यू उस डिबेंचर की 1000 रुपए है तो दोनों व्यक्तियों को 1000 ही रुपए ही मिलेंगे, भले ही इसने महंगा खरीदा हो या इसने सस्ता खरीदा हो, लेकिन अंत में जब मैच्योर होगा डिबेंचर तो दोनों को 1000 रुपए मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं, डिबेंचर कूपन रेट क्या होती है। डिबेंचर इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो कॉल्ड डिबेंचर कूपन रेट। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उसको ही डिबेंचर कूपन रेट के नाम से भी जानते हैं। द डिबेंचर कूपन रेट इज द
रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिबेंचर इश्यूअर विल पे ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। और जो ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो दिया जाता है, वो जो इंटरेस्ट रेट दी जाती है, वो किस पर दी जाती है? फेस वैल्यू पर। आपने किस प्राइस पर खरीदा है डिबेंचर को डजंट मैटर, लेकिन उस पर फेस वैल्यू कितनी लिखी हुई है उस बेस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये ब्याज ऐसे मिलता है। फिर है डिबेंचर कूपन डेट्स क्या होती है। देखिए, डिबेंचर कूपन डेट्स आर द डेट्स ऑन विच द डिबेंचर इश्यूअर विल मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स। डिबेंचर कूपन डेट्स वो डेट्स होती हैं जब आपको जो डिबेंचर इश्यूअर है वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो उसको हम डिबेंचर कूपन डेट्स के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होता है, पेमेंट्स कैन बी मेड इन एनी इंटरवेल बट द स्टैंडर्ड इज सेमी एनुअल पेमेंट्स। जनरली इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है भारत में वो सेमी एनुअल होती है, यानी कि एक वर्ष में दो बार होती है, लेकिन ये क्वार्टरली, मंथली, किसी भी प्रकार से हो सकती है, जो भी डिबेंचर कंपनी ने जारी किया है उसके अग्रीमेंट के मुताबिक। फिर आगे देखते हैं मैच्योरिटी डेट ऑफ डिबेंचर, ये क्या होती है। द मैच्योरिटी डेट इज द डेट ऑन विच द डिबेंचर विल मैच्योर एंड द डिबेंचर इश्यूअर विल पे द डिबेंचर होल्डर द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। और मैच्योरिटी डेट क्या होती है। मैच्योरिटी डेट सिंपल सी बात कि डिबेंचर की जो अवधि है जब वो समाप्त होगा तो उसका पेमेंट जब मिलेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी डेट। जैसे 10 साल का डिबेंचर है तो 10 साल बाद मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा जितने में मैंने डिबेंचर खरीदा था, इसको मैच्योरिटी डेट ऑफ डिबेंचर कहते हैं। अब आते हैं हम टैक्स ऑन डिबेंचर, तो देख लेते हैं टैक्स का भी। इफ डिबेंचर्स आर सोल्ड विद इन ए ईयर तो एसटीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट। अगर आपने उसको एक साल से पहले बेच दिया डिबेंचर को तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा और वो आपको पे करना होगा। इफ द डिबेंचर्स आर सोल्ड आफ्टर ए ईयर ऑफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट LTCG विल बी एप्लीकेबल। और अगर आपने एक साल के बाद बेचा, ठीक है, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और इसके अलावा द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स इज टैक्स्ड इन ए सिमिलर मैनर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इसके अलावा जो डिबेंचर से आपको हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, उस पर भी टैक्स लगता है। और वो टैक्स किस रूप में होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं या बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो एक निश्चित ब्याज से ज्यादा जब ब्याज हमें मिलता है, इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है, तो उस पर टैक्स कटता है। तो वैसे ही सिंपल सी बात, इस पर भी कटेगा टैक्स। देश में कोई भी इनकम कमाओ, अगर वो टैक्स छूट में नहीं है तो उस पर टैक्स कटता ही है। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अब देखते हैं डिबेंचर के प्रकार कौन कौन से हैं। हम देखने वाले हैं पहले जीरो कूपन डिबेंचर, फिर जो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर, फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर देखेंगे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर देखेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, कॉरपोरेट डिबेंचर और फिर हम गवर्नमेंट डिबेंचर। तो ये सारे प्रकार हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे आगे। नंबर वन, जीरो कूपन डिबेंचर। जीरो कूपन डिबेंचर मतलब इस पर जीरो मिलेगा आपको ब्याज, ब्याज आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जीरो कूपन डिबेंचर का मतलब कि ऐसा डिबेंचर जिस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, उसे जीरो कूपन डिबेंचर कहते हैं। ए जीरो कूपन डिबेंचर इज परचेज एट ए डिस्काउंट प्राइस एंड डज नॉट पे एनी पीरियडिक इंटरेस्ट रेट टू द डिबेंचर होल्डर। सरल सी भाषा में कि जीरो कूपन डिबेंचर पर कोई ब्याज नहीं मिलता, तो फिर इनकम कैसे होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसको बाय करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कि मान लीजिए कोई डिबेंचर है 1000 रुपए का, लेकिन कंपनी उसको बेच रही है 900 रुपए में। ध्यान दे, डिबेंचर है उसकी प्राइस है, फेस वैल्यू है 1000 रुपए, लेकिन कंपनी डिस्काउंट में दे रही है कि 900 रुपए में ले लो। तो वो 900 रुपए में हम लेंगे उसको जीरो कूपन डिबेंचर को, तो हमको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो मेच्योर होगा तो हमको कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपए पर डिबेंचर। तो ये जो 100 रुपए होगा वही हमारी इनकम हो जाएगी फिर इस डिबेंचर से। इट विल जनरेट ए रिटर्न वंस द डिबेंचर होल्डर इज पेड द फुल फेस वैल्यू व्हेन द डिबेंचर मैच्योर्स। और जब डिबेंचर मैच्योर होगा उस दौरान आपको कंप्लीट पैसा मिल जाएगा, उस तिथि को, उस तारीख को आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जो भी कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया था। तो यहां आप डिस्काउंट से पैसा बनाते हैं। फिर अगला है नंबर दो, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर। ये क्या होता है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट देयर टेन्योर इट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट डिबेंचर।
ऐसा डिबेंचर जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक जैसी मिले, फिक्स मिले, उसको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होती है। फिर अगला तीसरा कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये क्या होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर? एक कन्वर्टिबल डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डिबेंचर दैट ऑफर्स द ड्यूअल फीचर ऑफ डेट एंड इक्विटी टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स। इसमें क्या होता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर जिसके पास है उसको दो प्रकार की सुविधाएं मिलती है। वो डेट के रूप में भी कर सकता है, यानी कि वो उसने लोन दे रखा है कंपनी को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, या वो चाहे तो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर्स में। यही उसके लिए दो फैसिलिटीज है। दिस डिबेंचर अलाउज इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ रेगुलर स्टॉक्स एंड बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड गेट्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स गेट। और कन्वर्टिबल डिबेंचर की जो फायदा है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कंपनी अभी नॉर्मल तरीके से चल रही है तो आप क्या करें, वो जो डिबेंचर है अपने पास रखें और उससे इंटरेस्ट कमाते रहे। लेकिन जब आपको लग रहा है यार कंपनी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है और मैं क्यों ना इसका मालिक बन जाऊं, क्यों ना मैं इसमें अपनी इक्विटी ले लूं, शेयर होल्डिंग कर लूं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। उससे क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, हालांकि रिस्क भी होता है, लेकिन जब कंपनी ग्रो ही कर रही है तो फिर रिस्क नहीं होता। जब कंपनी ग्रो कर रही है तो आपको अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देना चाहिए शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, ताकि आप कंपनी की ग्रोथ का बहुत जबरदस्त तो फायदा उठा पाए। ये होता है बेनिफिट कन्वर्टिबल डिबेंचर का। फिर आगे है चौथा नंबर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सिंपल सी बात, ए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ डिबेंचर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप इक्विटी शेयर्स में नहीं बदल सकते हो, वो हमेशा एक डेट के रूप में ही रहेंगे, लोन के रूप में ही रहेंगे, उसे हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। फिर है पांचवा रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 5 or 10 years। नाम से स्पष्ट है रिडीम कर सकते हो आप इसको, जब इसकी मेच्योरिटी होती है उस मेच्योरिटी पे आप इसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। इसमें जो आपने पैसा डिबेंचर्स को खरीदने में लगाया है वो सारा पैसा आपको जब मेच्योरिटी पीरियड होगा खत्म तब मिल जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर इशूड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। जाहिर बात है फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, 5 साल के लिए दे दिया, 10 साल के लिए दे दिया। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड द डिबेंचर्स होल्डर्स आर पेड द प्रिंसिपल अमाउंट। और जब मेच्योरिटी पीरियड खत्म होगा तो आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो आपने शुरुआत में पैसा कंपनी को दिया था डिबेंचर के बदले में, वो सारा का सारा पैसा आपको वापिस मिल जाएगा। इस तरह से आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, अब छठा है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। ये उसका उल्टा है। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड इन ए कंपनीज लाइफ टाइम। जो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की लाइफ टाइम में भी रिडीम नहीं किए जा सकते। जब तक कंपनी है वो तब तक रिडीम नहीं किए जा सकते हैं, उसका पैसा आप नहीं ले सकते हो। आप जिंदगी भर ब्याज दे सकते हो जब तक वो कंपनी है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा जो आपने इनिशियल अमाउंट लगाया था। इट इज नॉट इशूड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, क्योंकि ये कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता है। इट इज ओनली पेड बैक ऑन कंपनीज लिक्विडेशन और कैन ओनली बी रिडीम्ड एट द विल ऑफ द कंपनी। ये दो ही परिस्थिति में आपको इसका पैसा मिल सकता है, या तो कंपनी बंद हो जाए, कंपनी लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तब आपका पैसा चुकाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, कंपनी की इच्छा है कि वो आपको पैसा वापस दे दे, तब भी वो ऐसा कर सकती है। दो परिस्थितियां हैं, ठीक, अदरवाइज आप रिडीम नहीं कर सकते। दिस डिबेंचर्स आर आल्सो कॉल्ड एज परपेचुअल डिबेंचर्स, और इनको परपेचुअल डिबेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर है सेवंथ नंबर सिक्योर्ड डिबेंचर। ये क्या होते हैं, देखिए, सिक्योर डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स। सरल सी भाषा में ये सिक्योर है, और सिक्योर किस लिए है, क्योंकि ये डिबेंचर कंपनी के असेट्स के ऊपर जारी किए जाते हैं। अगर इन डिबेंचर्स की राशि को कोई नुकसान होता है तो कंपनी के असेट्स बेचकर भी उस राशि को चुकाया जाएगा। दे गिव द डिबेंचर होल्डर्स ए राइट टू रिकवर प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद एनी अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट आउट ऑफ द असेट्स मॉर्गेज बाय द कंपनी। कंपनी ने अपने डिबेंचर के पीछे
कोई भी अगर उसने सिक्योर डिबेंचर निकाला है तो जाहिर बात है कंपनी ने अपने डिबेंचर के पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी है, असेट्स रखी है। अगर आपको किसी परिस्थिति में प्रिंसिप कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी के सामने, तो आप कंपनी की जो संपत्ति है, असेट्स है, उनको बेचकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी ले सकते हैं। और कोई जो अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी साल के दौरान उसने आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया, ठीक है, तो वो अमाउंट भी आप ले सकते हैं। यानी कि कंप्लीट अमाउंट आपको मिल जाएगा, इसमें आपको रिस्क नहीं है, कंप्लीट अमाउंट आपको मिल जाएगा। फिर आगे आठवां है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये देखते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड, सिंपल सी बात, अनसिक्योर्ड डिबेंचर नाम ही है तो ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर किससे नहीं है? असेट्स इसके पीछे नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द कंपनी असेट्स, और यहां कंपनी की असेट्स के ऊपर आप किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर दे हैव नो क्लेम ऑन कंपनी असेट्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ और अनपेड इंटरेस्ट। तो आप किसी भी प्रकार का कंपनी की असेट्स पर क्लेम नहीं कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए और अनपेड इंटरेस्ट के लिए। आपको अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, या आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है लेकिन कंपनी की समस्याएं इतनी जटिल हो गई है कि वो नहीं पे कर सकती, तो आप उनके ऊपर लीगली क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा पैसा लौटाओ। इसलिए इनको अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं, ये रिस्की होते हैं ज्यादा। नाइन्थ नंबर देखते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ये क्या होते हैं? दिस डिबेंचर्स आर सच डिबेंचर्स विद विच ऑल डिटेल कंप्राइजिंग एड्रेस, नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर फिल्ड इन ए रजिस्टर कैप्ड बाय द एंटरप्राइज। सरल सी भाषा में ऐसे डिबेंचर जिसको अगर कंपनी जारी करती है तो उस होल्डर के, उस डिबेंचर होल्डर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नाम, एड्रेस, उसकी जो भी डिटेल्स है वो कंपनी के रजिस्टर में एंट्री होगी, इसलिए उसको रजिस्टर डिबेंचर कहते हैं। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? दीज डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय ट्रांसफर डीड, और इन डिबेंचर्स को आप अगर किसी को सेल करना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको पहले कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी और ट्रांसफर की डीड बनानी पड़ेगी, तब जाके आप इनको डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हो। यह है इनकी प्रॉब्लम। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड ओनली टू दोज नेम्स अपियरिंग इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो किसको होगा पे? जिसका नाम कंपनी की रजिस्टर बुक में होगा उसी को इसका इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यह है सारा खेल रजिस्टर डिबेंचर का। अब है 10th नंबर बियरर डिबेंचर्स, ये क्या होते हैं? ये उसका उल्टा है। बियरर डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी, ये कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होता है, इनकी डिटेल्स रिकॉर्ड में नहीं होती, जो डिबेंचर होल्डर है उसकी कोई जानकारी इसमें नहीं होती। जानकारी नहीं होने का मतलब कि वो कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार काम नहीं कर सकता है, वो कर भी सकता है, ऐसा नहीं है, पाबंदी की वो नहीं करेगा। एज द नेम सजेस्ट बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी एंड डोंट रिक्वायर ए ट्रांसफर डीड, और जो बियरर डिबेंचर्स है, जिसके पास बियरर डिबेंचर है वो अपने डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी, उसके लिए उसे कंपनी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कंपनी उसको ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो आराम से उसको सेल कर सकता है। द होल्डर और द बियरर्स ऑफ दीज डिबेंचर्स आर एंटाइटल टू गेट द इंटरेस्ट, और जो होल्डर होगा, जो जिसके पास भी ये शेयर होगा, सॉरी शेयर नहीं, जिसके पास भी ये डिबेंचर होगा उसी को कंपनी से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक, तो ये हो गया बियरर का मतलब, जिसके पास है डिबेंचर वही उसका मालिक और वही इंटरेस्ट प्राप्त करेगा और उसको किसी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं है। फिर है 11th नंबर कॉर्पोरेट डिबेंचर, ये क्या होता है देख लीजिए। कॉर्पोरेट डिबेंचर आर इश्यूड बाय कंपनीज, कंपनीज इश्यू डिबेंचर रेदर देन सीक बैंक लोन्स फॉर डेट फाइनेंसिंग इन मेनी केसेस बिकॉज द डिबेंचर मार्केट्स ऑफर मोर फेवरेबल टर्म्स एंड लोअर इंटरेस्ट रेट। सरल सी भाषा में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लोन क्यों नहीं लेती है बैंक से? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, इसलिए उनको सस्ते में मार्केट से लोन मिल जाता है, जो डिबेंचर्स को इशू करके वो ले लेती है। ठीक, इसलिए वो डिबेंचर्स इशू करती है। फिर है 12th नंबर गवर्नमेंट डिबेंचर, ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, द गवर्नमेंट डिबेंचर इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जो गवर्नमेंट डिबेंचर होते हैं वो भारत सरकार की कंपनियां या हम कह लें राज्य सरकार ये सब जारी करती हैं, उसको हम गवर्नमेंट डिबेंचर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। हमने देख लिया है शेयर बाजार में डिबेंचर्स का फुल एनालिसिस देख लिया है हमने और कंप्लीट डिटेल देख ली है कि डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और NPS नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।